सो हमने आपका फ्रिक्शन चैप्टर कर लिया है, ठीक है। हमने आपका फ्रिक्शन पढ़ लिया है, फ्रिक्शन जो भी हमने आपका पढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो हमने आपका स्टडी कर लिया, ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्शन के बेस पर ही है, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए आपके क्वेश्चन क्या है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है कि बॉडी स्लीपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सो मतलब वहाँ पे आपका फ्रिक्शन इंक्लूड होगा। मूव्स विद ए डी एक्सीलरेशन, ये डी एक्सीलरेशन आपको दिया है, डी एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डी एक्सीलरेशन कितना दिया आपको, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। सो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ द, देखिए डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, आपकी वेलोसिटी जो हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। एक बॉडी है आप, जिसमें आपको पता, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर आपकी एक बॉडी ये मूव कर रही है, इस बॉडी का मास एम है, ठीक है। स्लीपिंग इसके ऊपर मूव कर रही है, आप मान लीजिए स्लीप कर रही है आपके ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका। तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन आपका क्रिएट होगा, ठीक है, फ्रिक्शन आपका, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगी आपकी। सो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी यहाँ पे आपकी क्रिएट होगी। सो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। सो ये जो आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये जो प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है जो कि आपका डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे नीचे आपका इसके एक्शन कितना होगा, एम जी, ठीक है। ये आपके इस प्लेन के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, एम जी, मैंने आपको बताया ये वेट होती है, और ये क्या होगा आपका रिएक्शन आर, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आपकी डेवलप हो रही होती है किसके इक्वल होती है आपकी म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स जो होती है आपकी किसके इक्वल होती है आपकी म्यू आर होती है, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगी आपकी, जितनी फोर्स यहाँ पे जितना एफ के इक्वल होगी, एफ जो होगी आपकी म्यू जो होगी आपके एफ के इक्वल, तो मैं सकता हूँ आपका एफ इज इक्वल टू आपका म्यू इंटू आर, ठीक है। ये जो फोर्स होगी जैसे कि बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में आपकी स्लाइड कर रही है, मतलब स्लीपिंग कर रही है, बॉडी स्लीपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद अ डी एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, तो आपकी ये बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में आपकी, ठीक है, स्लीपिंग कर रही, तो आपके फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स आपका इस फोर्स के इक्वल होगा, और जो रिएक्शन है वो आपका एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आपका म्यू इंटू आर। अब बॉडी का अगर मास है एम है, तो यहाँ पे फोर्स जो होगी आपका बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपका फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू होगा आपका एम इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ओके। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, एफ इज एम इंटू ए म्यू इंटू आर, आर कितना होगा आपका, आर जो होगा यहाँ पे रिएक्शन किसके इक्वल होता है आपका, सो आर विल बी इक्वल टू एम जी, सो आर जो होता है आपका एम जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका एम स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू इंटू जी, ओके। सो आपको यहाँ पे म्यू फाइंड करना था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है, सो ये हो जाएगा आपका ए ओवर जी इज इक्वल टू, सो ए आपके पास एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया है, डी एक्सीलरेशन कितना दिया आपको, 4, सो आपका ये हो जाएगा 4 ओवर जी। जी कितना है आपके पास, जी होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, होता है आपका 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूँ, जी जो होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सो आपका म्यू यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ये आपका है, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आपको मैंने बताया था, क्योंकि जो म्यू जो होता है आपका एफ ओवर आर होता है, आर भी आपकी फोर्स होती है और एफ भी आपका फोर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी की यूनिट भी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये आपका आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.1। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आप यहाँ पे, ए प्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए प्लेन सरफेस इज इंक्लाइंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ए प्लेन सरफेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके। सो एक प्लेन सरफेस है, मतलब यहाँ पे एक प्लेन सरफेस जो है वो ऐसे इंक्लाइंड है, ये एक प्लेन सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से इतना एंगल, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, हमने आपका पढ़ा है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ना, ये हमने आप, मैंने आपको पढ़ाया था मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सो ये प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो ये बॉडी यहाँ इस प्लेस्ड ऑन इट, तो यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है आपकी जिसका मास कितना है, इसका मास है आपका 10 kg मास दिया हुआ है।
इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन सरफेस. तो यहाँ ओके यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है इन दो, ये बॉडी और ये इंक्लाइन प्लेन के बीच में, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका बन रहा है 0.2. सो कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो आपको क्या करना है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन सरफेस. ओके, तो आपको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आपको किस, आपको पता है अगर मैं बॉडी यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे अगर रखूँगा तो ये बॉडी आपकी नीचे आएगी. ठीक है, सो देखिए हमें यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन कितना हुआ ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है. सो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो पहले मैं आपको इसके कौन कौन सी फोर्स यहाँ पे लग रही है वो फोर्स पहले हम यहाँ पे बना देते हैं. सो पहली जो फोर्स होगी ये क्या होगी आपकी एम जी, सही है, ड्यू टू मास आपकी, और ये वेट होगा आपका एम जी ना, एम इंटू जी, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रही है. सो ये एंगल 60, तो आपको मैंने बताया था ये एंगल भी आपका 60 ही होगा. सो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी आपका 60 होगा. सो ये अगर एम जी है तो ये वाली जो फोर्स होगी आपकी जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है इस इंक्लाइन सर्फेस की, ये बॉडी की हो जाएगी आपकी एम जी कॉस थीटा. ये पहले भी कराया है मैंने आपको, सो ये हो जाएगी आपकी एम जी कॉस थीटा. और ठीक है, और ये जो फोर्स होगी दूसरी फोर्स कौन सी होगी, ये होगी आपकी एम जी साइन थीटा. थीटा कितना है यहाँ पे 60. ठीक है, यहाँ पे भी मैं 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये आपका 60. सो ये एम जी कॉस 60 और ये आपका एम जी साइन 60. सो ये जो एम जी साइन 60 है इसी की वजह से ये बॉडी जो होगी आपकी नीचे डाउनवर्ड मोशन करेगी. तो यहाँ पे एक्स ये फोर्स सिर्फ इस फोर्स की, ये इस फोर्स की वजह से ये बॉडी आपकी नीचे आएगी. सो ये जो फोर्स है आपकी यही ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस यहाँ पे करेगी. तो ये बॉडी अगर आपकी मूव करे तो आपको पता है कि अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगी आपकी, एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आपकी डेवलप होगी. सो आप क्या फाइंड करना है, ये एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका एम जी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे ये आपका एक्शन होगा तो ये आपका आर होगा. सो आर जो होगा वो आपका एम जी कॉस 60 के इक्वल होगा. ठीक है, ये आपका एम जी कॉस 60 के इक्वल होगा. सो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 60. कॉस 60 जो होती है आपकी 1/2 होती है. ठीक है, मास यहाँ पे ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, आपका वैल्यू हम पुट करेंगे आपका. सो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे फाइंड करनी है. तो आप देखिए ये बॉडी नीचे आपकी डाउनवर्ड मोशन पर मूव कर रही है, मतलब ये फोर्स क्या है आपकी, ये फोर्स आपकी ग्रेटर होगी. अगर मैं यहाँ पे आपका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये जो फोर्स है आपके एम जी साइन 60 ये ग्रेटर है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो आपका डाउनवर्ड हो रहा है. तो मैं कैसे लिखूंगा आपकी एम जी साइन 60 क्या होगी आपकी, ये फोर्स ग्रेटर होगी माइनस इसको अपोजिंग फोर्स कौन सी लग रही है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. सो ये एम जी साइन 60 डाउनवर्ड फोर्स है और ये क्या है इसकी अपवर्ड ऐसे जा रही है फ्रिक्शन फोर्स एफ आर. ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका नेट फोर्स ना, नेट फोर्स ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है और नेट फोर्स कितनी होगी आपका मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये एक्सेलरेशन ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे अगर इसको पुट करूँ ये हो जाएगा आपका एम जी साइन 60. ठीक है, एफ आर यहाँ फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन आपका होता है म्यू इंटू आर. ठीक है, ये मैंने आपको बताया इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो ये हो जाएगा आपका एम जी साइन 60 माइनस म्यू जो होगा आपका यहाँ पे म्यू आर, आर आर कितना होगा आपका मैंने बताया आर जो होगा आपका एम जी कॉस 60 होगा. सो अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ ये कितना हो जाएगा एम जी कॉस 60. ये रिएक्शन है ना आपका, देखिए ये एक्शन एम जी कॉस थीटा, ये इसका रिएक्शन आर ही होगा. ठीक है, सो इज इक्वल टू आपका मास इंटू एक्सीलेशन, ये हो जाएगा आपका. अब यहाँ पे आप चाहे तो मास को कॉमन लेके, ठीक है, मास और जी को आप कॉमन लेके यहाँ पे इसको मास को कॉमन लेके आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, जी साइन 60 माइनस ये हो जाएगा आपका म्यू जी कॉस 60 इज इक्वल टू एम इंटू ए आपका. सो ये मास यहाँ पे आपको कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. सो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये कितना आपका होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे जी साइन 60 माइनस न्यू जी कॉस 60 इज इक्वल टू ए, ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ से. सो जी की वैल्यू आपको पता है मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 ओवर 2, ये होती है आपकी साइन 60 की वैल्यू. ठीक है, माइनस आपका म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे यहाँ पे डेवलप हुआ है वो आपका 0.2 है. सो ये वैल्यू आपकी 0.2 इंटू जी की वैल्यू आपकी 10 और कॉस 60 आपका होता है 1/ कॉस 60 आपका होता है 1/2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2/5, ये हो जाएगा आपका 5/3 माइनस
ये हो जाएगा आपका 2 into 1/2, 0.2 न्यूटन, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5√3 − 1 = a, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रूट थ्री की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली अगर पुट करोगे 1.7 समथिंग कुछ होती है आपकी ना, रूट थ्री की जो वैल्यू होती है आपकी, आप चेक करिए 1.7 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये आपका 40 1.7 ये 1 आपका, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.73 समथिंग होती है आपकी। ठीक है, −1 × a, सो इसको आप इसको मल्टीप्लाई करें, 173 × 5 हो जाएगा आपका 15, ये 5 6 ये आपका हो जाएगा 8.36, तो 8.65 − 1 =, तो ये हो जाएगा आपका 7.65 m/s² ये आपका एक्सीलरेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना एक्सीलरेशन, ये आपका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। सो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस यही दिया था कि यहाँ पे बस आपको फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन फोर्स को भी इंक्लूड किया है। ये फोर्स आपकी डाउनवर्ड मोशन, ये आपकी अपवर्ड फोर्स, और नेट एक्सीलरेशन कितना आपका m × a। मैंने आपको मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडीज में मैंने आपको पढ़ाया था, और ये कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, सो बेसिकली आप यहाँ पे यहाँ से आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड ऑफ 10 m/s, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.10, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, सो ये आप ट्राई करिएगा, आप ये ट्राई करिए, ये क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये आपसे ट्राई नहीं और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन आपको दूँगा। ओके, सो थैंक यू।